हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सोनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू भगवती क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैथ का पहला टॉपिक है संख्यापत्ति। वो संख्यापत्ति में भी एक छोटा सा टॉपिक है विभाजिता का नियम। ठीक है, पहला टॉपिक है विभाजिता का नियम। तो देखते हैं विभाजिता का नियम बेसिकली है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले दो से विभाजिता का नियम। ठीक है, दो से विभाजिता का नियम क्या कहेगा? यदि यदि किसी संख्या के बाद, बाद का मतलब इकाई, इकाई के अंक अंक 0, 2, 4, 6, 8, 8 में से कोई एक हो। ठीक है, यदि किसी संख्या के बाद यानी इकाई के अंक में से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या पूर्णतः दो से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखते हैं 97,532। तो इस ये देखते हैं दो संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो बाद का अंक देखते हैं, मैंने कहा अगर बाद के अंक में से, इन अंकों में से कोई एक अंक भी बाद का अंक होगा तो वो संख्या दो से विभक्त होगी। ठीक है, नहीं, अब देखो ये अंक आ गया तो ये संख्या भी दो से विभक्त होगी। ठीक है, पूरी संख्या विभक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस बाद का अंक देख लेंगे, अगर दो से कट जाएगा तो वह संख्या पूरी दो से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, 18,234। ठीक है, 18,234। तो ये देखते हैं दो से कटेगी नहीं कटेगी। तो अब इसमें से देख लें कोई एक अंक आ रहा होगा तो ये बाद वाला आ रहा 4, तो ये दो से भी ये भी पूर्णतः कट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से कट जाए जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से कटेगी। ठीक है, क्या लिखा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 75,684। तो इसका योग करेंगे, अंकों का योग 7 + 5 + 6 + 8 + 4, तो योग कितना होगा, 7 × 5 = 12, 12 + 6 = 18, 18 + 8 = 26, 26 + 4 = 30। तो 30 हो जाएगा, 30 3 से कटेगी, हाँ जी बिल्कुल कटेगी 10, तो यह संख्या भी 3 से विभक्त होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 96,34,21। तो सबसे पहले इसका योग करेंगे, 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। ठीक है, योग कितना हो जाएगा, इसका योग देखेंगे, 9 × 6 = 15, 15 × 3 = 18, 18 × 4 = 22, 24 + 1 = 25, 25 × 3, तो 3 से 25 नहीं कटता, तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटने की। ठीक है, समझ में आ गया 3 का रूल। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले 4 से कौन सी संख्या कटेगी, यदि किसी संख्या के, किसी संख्या के बाद के दो अंक, अंक 4 से कट जाए जाए तो वह संख्या भी
चार से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी, चार से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के बाद के दो अंक चार से कट जाएं तो वह संख्या भी पूर्णतः चार से विभाजित होगी। 97, 81, 32। तो ये संख्या देखते हैं चार से कटेगी नहीं कटेगी। मैंने कहा यदि किसी संख्या के बाद के दो अंक चार से कट जाएं तो वह संख्या भी पूर्णतः चार से कटेगी। तो बाद के दो अंक, तो बाद के दो अंक ये कटेंगे, ठीक है, इनको देख लेंगे। चार से अगर कटेगा, हाँ जी चार से कट गया, 4, 8, 32, ठीक है, नहीं तो ये पूरी संख्या भी चार से कटेगी। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 84, 42, 52। तो ये देखते हैं चार से कटेगा नहीं कटेगा, तो चार से देख लेंगे, बाद की संख्या देखेंगे, और बाद की संख्या ये चार से कट जाओगे, 13 चौका 52, आज ही चार से कट जाओगे, 13 बार कट गया, तो ये संख्या भी चार से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 12,339। तो 12,339 को देख लेंगे, ये वाला अंक अगर ये चार से कटेगा तो कट जाएगी, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अब 439 तो कटता नहीं भाई, ठीक है, नहीं तो ये नहीं कटने का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, 5 से विभाजिता का नियम। यदि संख्या के बाद के अंक 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह 5 से विभाजित होगी, ठीक है, 5 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के बाद के अंक 0 या 5 होंगे तो वह संख्या भी 5 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, 17,345। तो इसमें बाद का अंक क्या है, 5, तो ये 5 से विभक्त होगी, पूरी संख्या कटेगी। एग्जाम्पल दूसरा, 19,370। तो ये 0 है बाद में, तो ये भी 5 से कटेगी भी। एग्जाम्पल अगला, कोई सा भी ले लो, XYZ, 93,672। तो ये संख्या 5 से कटेगी नहीं कटेगी, नहीं कटने की, क्योंकि इसके बाद का अंक 2 है, तो 5 से संख्या नहीं कटने की। ठीक है, 5 का समझ में आ गया होगा। इसके बाद है 6 से विभाजिता का नियम। ये देखो क्या है, यदि कोई संख्या 2 व 3 से अलग अलग, 2 व 3 से अलग अलग कट जाए तो वह संख्या भी 6 से विभक्त होगी, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 7,344। तो देखते हैं 6 से कटेगी नहीं कटेगी। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से कैसी संख्या कटेगी, जिसके बाद में 0, 2, 4, 6, 8 कोई अंक होगा तो वो 2 से कटेगी, तो ये 2 से तो कट जाएगी भाई, आज ही कट जाएगी। इसके बाद एक बार और देख लो, 3 से कटेगी नहीं, तो 7, 3, 4, 4, तो इनका योग करेंगे, तो योग करने का तरीका क्या है, 7+3+4+4, 7, 3, 10, 4, 14 और 4, 18, 18 को 3 से काटेंगे, 3, 6, 18, हाँ जी बिल्कुल 3 से कट जाएगा, तो 6 से भी ये संख्या पूरी प्रॉपर कट जाओगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 15,792। ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा, तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से, हाँ जी 2 से तो कट जाएगा ये बिल्कुल। उसके बाद 3 से भी काट के देख लेते हैं, अगर 15,792, तो इनका योग कर देंगे, तो 1+5+7+9+2, तो इनका योग कितना हो जाएगा, लगभग 5+6, 6+7, 13 और 13, 9, 22 और 22+2, 24 24/3, 3×8, 24 कट गया भाई 3 से भी। अब ये 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो ये संख्या 6 से भी विभक्त होगी। आगे होगा समझ में, 6 से विभाजिता का नियम।
ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सात से विभाज्यता का नियम। तो सात से विभाज्यता का नियम देखते हैं। बेसिकली सात से विभाज्यता के नियम के बहुत रूल हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वे केवल तीन ही रूल हैं। वे केवल तीन ही रूल हैं। यदि कोई दो अंकों की संख्या तीन बार रिपीट हो रही हो तो वह सात से पूर्णतः कटेगी, सात से पूर्णतः कटेगी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो अंकों की संख्या तीन बार रिपीट करनी, तो 12, 12, 12, एक बार रिपीट, दो बार रिपीट, तीन बार रिपीट, तो ये टोटल की टोटल संख्या सात से विभक्त होगी। समझ में आ गया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल अगला, जैसे 97, 97 और 97, तो ये दो अंकों की संख्या रिपीट एक बार, दो बार और तीन बार, ये टोटल संख्या तीन बार रिपीट होगी दो अंकों की, तो ये भी सात से विभक्त होगी। आगे होगा समझ में, पहला नियम समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, नियम है इसका, यदि तीन अंकों की संख्या दो बार रिपीट हो रही हो तो वह संख्या भी पूर्णतः सात से विभक्त होगी, सात से विभक्त होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तीन अंकों की संख्या दो बार रिपीट करनी, जैसे 123, 123, तो ये तीन अंकों की संख्या, ये भी तीन अंकों की संख्या, ये दो बार रिपीट होगी, तो ये भी सात से कटेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा देख लो, जैसे 575, 575, ये भी दो बार रिपीट हुई तीन अंकों की संख्या, तो ये भी सात से कटेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा दूसरा नियम भी। इसके बाद तीसरा नियम, यदि किसी संख्या का एक अंक छह बार रिपीट हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो वह भी पूर्णतः सात से विभक्त होगी, सात से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, 9, 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
यह संख्या भी 7 से पूर्णतः पूर्णतः कटेगी। जैसे एग्जांपल दूसरा 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या एक अंक 6 बार रिपीट होता तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः कटेगी। 7 से विभाजिता का नियम भी पता लग चुका है, ठीक है। इसके बाद 8 से विभाजिता का नियम, तो देखो जब सबसे पहले क्या होगा, यदि किसी संख्या के बाद के तीन अंक 8 से कट जाएं, तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से कटेगी, पूर्णतः 8 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल 67 95 415, ठीक है। तो इसको 8 से काट के देखते हैं, 8 से मैंने कहा किसी संख्या के बाद के तीन अंक 8 से कट जाएं तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से कटेगी। तो देखो इसके बाद के तीन अंक ये हैं 8, तो 8 से काट के देखेंगे, 8 5 40 और 1 बचा 15, तो ये 8 2 16 नहीं कटेगी, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल 27 416, तो इसको देखेंगे काट के 8 से कटेगा क्या,
तो ये बाद के तीन अंक काट के देखेंगे। तो 8 5 40 और 8 2 16, हाँ जी बिल्कुल कट गई संख्या, ठीक है। तो ये संख्या कट जाएगी। इसके बाद 9 से विभाजिता के नियम, तो 9 से विभाजिता के नियम देखते हैं। सबसे पहले यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभक्त होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 19 43 19, तो इस संख्या को देखते हैं 9 से कटेगी या नहीं। तो सबसे पहले मैंने कहा संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, संख्या के अंकों का योग करेंगे 1 प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के 9, तो 9 1 10 9 1 10 4 14 3 17 और 1 18 और 9 27, योग आ गया 27। 27 को 9 से काट के देखेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 3 27 बिल्कुल कट गया। तो इसका मतलब यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है, समझ में आ गया हो। 10 से विभाजिता का नियम कोई खास नहीं है इतना, यदि किसी संख्या के बाद में अगर 0 होगी तो वह संख्या 10 से कटेगी, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना 10 में। तो 11 से विभाजिता का नियम देखते हैं, 11 से विभाजिता का नियम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, यदि किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थानों का योग, स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह पूर्णतः 11 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 3 3 1, 1331। देखो सबसे पहले ये स्थान ये दोनों हैं विषम स्थान और ये वाला, ये दोनों हो जाएंगे सम स्थान, ठीक है। तो इन दोनों का योग करेंगे 3 और 1 4, और इन दोनों का योग करेंगे 3 और 1 4, तो ये दोनों का अंतर देखेंगे, इनका अंतर कितना हो जाएगा 4 अंतर 4, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में 0, तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, समझ में आया। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 93 82 45, ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी। तो सम स्थान इनको जोड़ लो, अलग अलग सम और विषम को अलग अलग जोड़ लो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये तीनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 2 प्लस के 3, और ये वाला 4 8 और 9, ये अलग से जुड़ जाएंगे 4 प्लस के 8 प्लस के 9, तो ये कितना हो जाएंगे 8 और 4 12, और 12 और 9 21, इनको जोड़ लेंगे 5 और 2 7 7 और 3 10, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 21 का 10 का अंतर 11, तो 11 से कटेगा, बिल्कुल कट रहा है भाई 11 से, तो ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये विभाजिता का नियम खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।